मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी अपने साथियों का दो दिनों के गैप के बाद हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में जो हम लोग का विषय होगा, वह पिछला जो फ्राइडे को विषय था उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग बातें करेंगे। और अगर आपने फ्राइडे का लाइफ मैनेजमेंट सुना हो तो आपको ध्यान होगा कि हम लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि किसी भी चीज के प्रति हम में आकर्षण होता है, हम में तत्काल उत्तेजना आ जाती है, उसको लेकर के हम फैसला कर लेते हैं कि हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन वो जो आकर्षण है, वो जो अट्रैक्शन है, वो जो उत्तेजना है, या और अगर अच्छी भाषा में बात करें तो वह जो संकल्प है, वो लंबे समय तक बना नहीं रह पाता। और कुछ समय के बाद ही, पहले तो वो धीरे 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 शिथिल पड़ता है, शिथिल पड़ने के बाद फिर वो छूट जाता है, बोझ लगने लगता है और बात खत्म हो जाती है। और फिर से हमारा मन एक नए की तलाश में जुट जाता है, लग जाता है, उसे नया मिल भी जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस नए के साथ भी वह हमारा जो मन है उसी तरह का सलूक करता है जैसा कि उसने पिछले के साथ किया था, और पूरी की पूरी जिंदगी की यात्रा इसी तरीके से पूरी होती चली जाती है। तो मित्रों, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, इस पर बहुत से आप लोगों में से प्रश्न पूछे गए थे और मैं अब उन्हीं के उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, मैंने पिछले ऑडियो में कुछ बातें आपके सामने रखी थी, मैं उसे यहां जानबूझकर याद नहीं दिला रहा हूं। आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, आपकी नाराजगी हो सकती है कि मैं उसे याद क्यों नहीं दिला रहा हूं। मैं याद इसलिए नहीं दिला रहा हूं कि या तो आप खुद याद करें अगर आपने सुना है तो, क्योंकि अगर आपको अब याद नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने ठीक से सुना नहीं है, और अगर ठीक से सुना भी है तो आपने उसे गुना नहीं है, उसे याद नहीं रखा है, और अगर गुना नहीं है और याद नहीं रखा है तो बट नेचुरल है कि फिर उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, बट कुछ भी फायदा नहीं होगा। सुनने से तो कुछ फायदा कम से कम मुझे तो यही लगता है कि नहीं होता है। इसलिए या तो आप याद करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपने सुना नहीं है तो इससे शुरुआत करना एक आधा अधूरा काम होगा। पहले आप उसको सुने, फिलहाल इसको बंद कर दें और फिर इसको सुने। इसलिए मैं जानबूझकर के पिछले ऑडियो में जो मैंने दो पॉइंट को एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, उसे मैं दोहरा नहीं रहा हूं। हां, थर्ड पॉइंट की जो मैंने शुरुआत की थी उसका एक्सप्लेनेशन यहां मैं जरूर देना चाहूंगा। जो मैंने बात कही थी मित्रों, वह थी हम जो निर्णय लेते हैं, जो तीसरा पॉइंट था वो ये कि हम जो निर्णय लेते हैं, संकल्प लेते हैं, या किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, चाहे किसी उद्देश्य के प्रति, किसी पद के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति, स्थान के प्रति, किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं, तो वो जो हमारा आकर्षण होता है बेसिकली वो वैचारिक स्तर का नहीं होता, थॉट लेवल का नहीं होता। वो जो हमारा निर्णय होता है वो चेतना के द्वारा लिया गया निर्णय नहीं होता है। सरल शब्दों में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि वो दिल के द्वारा लिया गया निर्णय है, हृदय के द्वारा लिया गया निर्णय है, यानी कि एक इमोशनल डिसीजन है। और सरल और स्पष्ट शब्दों में कहें कि दैट इज टोटली इमोशनल डिसीजन। और जो डिसीजन जितना इमोशनल होगा, याद रखिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है मित्रों, उसका जो जीवन काल है वो उतना कम होगा अगर इमोशनल है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिसीजन में इमोशन का कोई रोल नहीं है, डिसीजन का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अगर वो प्योरली इमोशनल है तो ये मान करके चलिए कि वो ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। हां, अगर डिसीजन कॉन्शियसली है, मतलब चेतना ने निर्णय लिया है, यानी कि सोच समझ कर फैसला किया गया है, और उस सोचने समझने में नो डाउट कि जो इमोशंस हैं वो अपनी भूमिका निभाएंगे, वो आपको मदद देंगे, आपको निर्णय लेने में एक कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, दृष्टि देंगे, अच्छे बुरे का ज्ञान कराएंगे, इमोशंस ये सब कराएंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारे सारे के सारे निर्णय विशुद्ध रूप से वैचारिक निर्णय ही होने चाहिए, लॉजिकल ही होने चाहिए, नॉट एट ऑल। क्योंकि मैं तो ये मानकर चलता हूं कि इमोशन हैज इट्स ओन लॉजिक, हमारी जो भावनाएं हैं उनके भी अपने तर्क हैं, उनके भी अपने यथार्थ हैं, तो वो उसका कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए लेकिन प्योरली इमोशनल नहीं होना चाहिए।
हमारे साथ होता यही है फ्रेंड्स कि हम ज्यादातर जो डिसीजन लेते हैं वो इमोशनली डिसीजन लेते हैं, इमोशंस पर बेस्ड डिसीजन होते हैं, इसलिए उनका जीवन काल भी बहुत थोड़ा सा होता है। जैसे मैं अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, जो हम लोगों की अभी 15 दिन की क्लासेस थी उसमें जो गैप होता है उसमें स्टूडेंट्स आते हैं और फ्रीली मुझसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वो हम लोगों का बड़ा ओपन सेशन टाइप का होता है, जैसे पार्लियामेंट का जो जीरो आवर होता है ना, लगभग उसी तरह का होता है। तो उसमें एक स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मैं रोज गीता का पाठ करता हूं। मैंने उसको धन्यवाद दिया, थैंक्स दिया, हल्के से मेरे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आ गई और बात खत्म हो गई, क्योंकि इस तरह का वातावरण था नहीं कि मैं उसके ऊपर उसकी बात पर आप कह लीजिए कि कोई उसे समझाता या तर्क वितर्क करता। अब मित्रों, उसने कहा कि मैं गीता का पाठ करता हूं। थोड़ा सा सोच कर देखिए कि गीता का पाठ करने से क्या होगा, हो क्या जाएगा, ये सोचने की बात है। कहीं लिख दिया गया है कि गीता का पाठ करने से पुण्य मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक वैसे जैसे सत्यनारायण का कथा करने से कथा सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और अगर हम भागवत की कथा सुन रहे हैं तो कुछ स्वर्ग मिलेगा, फलाना फलाना, ये सब कह दिया गया है ना। रामचरितमानस में भी ये लिखा हुआ है कि श्रवण करने से उससे पुण्य प्राप्त होता है। हमारे यहां ये जो श्रवण की परंपरा है या जो पाठ करने की परंपरा है, सुनने और पढ़ने की जो परंपरा है, इसको वहीं तक सीमित कर दिया गया, जबकि जो पाठ करने की जो परंपरा थी उसका मतलब यह था कि आप उसे समझेंगे। जब बार बार पढ़ेंगे तो आप उसे समझेंगे, और जब समझेंगे तो फिर आपके दिमाग में वो चीज बैठेगी, और जब दिमाग में बैठेगी तो फिर आपके आचरण में वो उतरेगा। वहां पाठ करने का ये मतलब था, पाठ करने का मतलब ही है कि धीरे धीरे वह चीज जो किताब में लिखी गई है, जो ग्रंथ में लिखी गई है, वहां से उठ करके हमारी चेतना का हिस्सा बन जाए। श्रवण करने का भी यही मतलब था। देखिए, पाठ करना और श्रवण करना दोनों बिल्कुल एक ही जैसी चीजें हैं, याद रखिए। श्रवण करने की बात इसलिए कह दी गई थी क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, तो अब वो क्या करे, तो भाई वो सुन ले, पढ़ नहीं सकता तो दूसरा कोई उसके बिहाफ पर पढ़ रहा है तो वो उसको सुन ले, इसीलिए श्रवण की परंपरा भी आई। लेकिन कोई सोचे कि केवल पढ़ने से और सुनने से ही कुछ गजब हो जाएगा, कुछ आश्चर्य घटित हो जाएगा जीवन में, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी गलतफहमी और क्या हो सकती है। और सच पूछिए फ्रेंड्स कि ये हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये जो विधान किया था, पढ़ने और सुनने का विधान किया था, उसे हम आज सही रूप में नहीं समझ पा रहे हैं। उस समय उन्होंने जो कहा था वो सही था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि सब कुछ केवल पढ़ने और सुनने तक सीमित रह जाएगा, उसका आचरण से कोई लेना देना ही नहीं रह जाएगा, पूरा संबंध विच्छेद हो जाएगा, तलाक हो जाएगा उसका अपने आचरण से। और यही हो रहा है, सच पूछे तो हमारे यहां यही हो रहा है, और शायद सबसे ज्यादा वो चीजें हमारे यहां हो रही हैं। और चूंकि सैद्धांतिक रूप से ये हो रहा है तो बट नेचुरल है कि प्रैक्टिकली भी चीजें वैसी ही घटित हो रही हैं। हम निर्णय ले रहे हैं, इमोशनली निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि सुनना और पाठ करना एक इमोशनली डिसीजन है कि मैं सुनूंगा तो ये हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना किए तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हमारे पास भागवत गीता है, तो हमारे पास भागवत गीता भी तो है, उसमें यही कहा गया कि बिना किए कुछ नहीं होगा, लेकिन वो हमारी समझ में नहीं आता। हमारी समझ में पाठ करना आता है, हमारी समझ में श्रवण करना आता है, और यही सच पूछिए तो हम भटक जाते हैं या खुद को जानबूझकर भटका देते हैं। मित्रों, यहां मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, स्पेशली वैचारिक निर्णय के संदर्भ में, और वो ये कि देखिए, तीन तरह की स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति तो वह होती है जिसमें हम जानते नहीं है, किसी भी चीज को हम जानते नहीं है लेकिन मान लेते हैं। जैसे आप बताइए कि ईश्वर के बारे में हम क्या जानते हैं, कुछ नहीं, हमने मान लिया है। दूसरा यह है कि हम मानते नहीं है लेकिन जानते खूब हैं, हम जानते तो खूब हैं लेकिन मानते नहीं है। ईश्वर को हम जानते नहीं है लेकिन मानते हैं, और धर्म ग्रंथों को हम जानते खूब हैं लेकिन मानते कहां हैं, आप बताइए। हमारे आचरण में आए तब हम समझे कि हम उसे मान रहे हैं।
जानते तो खूब हैं आप, किसी भी भारतीय से पूछिए तो उनको रामायण की कथाएं याद है, महाभारत की कथाएं याद है, नैतिक कहानियां याद है, लीलाओं के हमारे जो ईश्वर हुए हैं या जो महापुरुष हुए हैं उनके लीलाओं के, उनके जीवन के चरित्र के प्रसंग दुनिया भर के याद है, जानते तो खूब है, लेकिन क्या उसका थोड़ा सा भी हिस्सा जीवन में शामिल है? तो यानी कि जान तो खूब रहे लेकिन मान नहीं रहे हैं, ये सेकेंड चीज है। और जो थर्ड है मित्रों, जिसे मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, वो ये है कि हम जानकर मानते हैं, किसी चीज को पहले जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उस पर विचार करते हैं, और विचार ये सब कुछ करने के बाद जब हम कन्विंस हो जाते हैं तब हम उसे मानने लगते हैं, कन्विंस होते हैं ये मानना है। और जब हम कन्विंस हो जाते हैं, कन्विंस होकर जब मानते हैं, तब बट नेचुरली कि वो हमारे आचरण में उतर आता है, वो हमारे एक्शन में आ जाता है, हमारे व्यवहार में आ जाता है, हम वही बन जाते हैं जो गौतम बुद्ध ने कहा। गौतम बुद्ध ने यही कहा था कि नहीं, मेरी बात को ज्यों का त्यों मानो मत, इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं ठीक है, मैं कह रहा हूं, ये मेरा सत्य है, मेरे कहे हुए पर विचार करो, और अगर ठीक लगता है तो मानो, अदरवाइज रिजेक्ट करो। और इसीलिए उनके जीवन के अंतिम शब्द हैं, अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, दूसरे को जलाए हुए दीपक से अपने रास्ते की तलाश मत करो, वह तुम्हारा दीपक नहीं बन सकता। तो दोस्तों, यह है जान कर मानना, और जैसे ही हम जान कर मानते हैं वैसे ही जिंदगी में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, और इसे ही मैं कहता हूं वैचारिक स्तर पर लिया गया निर्णय। निर्णय का मतलब है कि मैं मान रहा हूं, और वैचारिकता का मतलब है कि उस पर विचार करके उसे मान रहा हूं। जो भी निर्णय इस स्तर के निर्णय होंगे मित्रों, फिर उसके प्रति आपका आकर्षण खत्म नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज इसके बारे में मैं इतनी ही बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, और सच पूछे तो इसके साथ ही इस विषय का समापन भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हो जाना चाहिए, लगभग लगभग हो ही गया है। हाँ, यदि आप लोगों के कुछ प्रश्न आएंगे तो उस प्रश्न में से अगर कुछ चीजें मुझे लगेंगी कि नहीं इनके समाधान होने चाहिए तो मैं इस विषय को कल के एपिसोड में आगे बढ़ाऊंगा, अदरवाइज आप यूं मान करके चलें कि मेरे पास जो कुछ भी कहने के लिए था वो लगभग लगभग मैं बता चुका हूं। और वैसे अगर इसी को एक्सप्लेन करना हो तो कितने भी विस्तार के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगा, वक्त हो चुका है, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।